हाय, बड़ी सुंदर लग रही है। 2 अक्टूबर को क्या बात हो गई? अच्छा, कुछ नहीं, कॉलेज में प्रोग्राम था। वैसे तैयार नहीं होती तुम, कॉलेज के लिए बहुत तैयार होती है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन था ना, तो उसे मनाने के लिए पूरी तरह तैयार होके गई थी। अच्छा, और हमारे लिए 6 नवंबर को होगी कि नहीं होगी? 6 नवंबर सिर्फ आपका दिन थोड़ी है, मेरा भी है, एनिवर्सरी है। मैं आप जैसा कहोगे वैसा तैयार होंगी। तो कौन सी साड़ी ले आए तुम्हारे लिए? साड़ी क्या करूँगा, कोई भी पहन लूंगी, यही पहन लूंगी, ये क्या बुरी है मेरी? नहीं, रेड ले आएंगे। देखिए सुमित जी, मैं बहुत एक्सपेंसिव वाइफ हुई नहीं, आप जानते हो ना अच्छे से। मैं कोई जैसा होगा वैसा पहन लूंगी। तो रेड साड़ी पहनोगी? रेड मेरे पास वैसे बहुत है, मम्मी ने मुझे शादी में कितनी दिलाई है। नई साड़ी की बात करो, पुराने की नहीं बात करो। नहीं देखो, सब सारी स्त्रियों को नई तो हर चीज अच्छी लगती है, आप दिला दोगे तो मुझे तब भी अच्छी लगेगी। और क्या दिलवाना है? दिला दो, कुछ भी दिला दो, मैं देखिए हर चीज में संतुष्ट हूँ। आप रेड दिलाओ या मैं यही पहनू या और कोई पुरानी पहन लो, मैं सब में संतुष्ट हूँ। आप भले कुछ ना दिलाओ मुझे, ठीक है, यही पहन लेना। आपने मतलब आपने ये बात मान ली मेरी? अरे यार, मजाक कर रहा था मैं। मजाक कर रहे थे ना सच में सुन? और क्या, जबकि आप ये जानिए। नहीं, नई साड़ी दिलवाएंगे। एनिवर्सरी पर नई साड़ी आती है कि नहीं आती तुम्हारी? फिर करवा चौथ भी इसी दिन आता है, बर्थडे भी तुम्हारा आता है, दीपावली भी आती है, सब तुम्हारे एक साथ पड़ते हैं। क्या करना चाहिए फिर? एक ही साड़ी ले लूं सब पर? नहीं, सब पे अलग अलग लेना। उसी दिन से तैयार बनी हो? नहीं, बर्थडे के लिए तो साड़ी थोड़ी लोगी। हाँ, बर्थडे के लिए क्या दिलाएंगे? क्या क्या लोगी? क्या दिलाएंगे आप बताओ? मॉडर्न ड्रेस लोगी ना कुछ? मॉडर्न लाइक अब मैं रही हूँ क्या? क्यों, अब क्या हो गया मॉडर्न के लिए? क्या हो गया तो दिला देना फिर, आपको जैसा ठीक लगे। वैसे मैं सिर्फ करवा चौथ के लिए एक रेड साड़ी लूंगी जैसा आप कह रहे हो अपनी पसंद से। ऐसा तो नहीं आपने मेरे लिए खरीद ली हो? अब वो तो सरप्राइज है। खरीद ली है क्या? अब मैं क्यों बताऊं? सच में सरप्राइज तो सरप्राइज होता है। कुछ ना कुछ छुपा रहे हो ना, कहीं खरीदी है क्या? पता नहीं, वो तो नहीं, आपने मुझे बहुत बार सरप्राइज दिया है। मैं जब जब नई साड़ी अपनी देखी आपके हाथों में, तो मैं डेट जब बिल पे देखती थी तो वो हमेशा आगे की मिलती थी। कब की खरीदी है मुझे बताओ ना। वो तो उस दिन ही पता चलेगा। आपने खरीदी है क्या रेड? अरे सरप्राइज है यार। आप इतने अच्छे हो सुमित जी। तो मैं ये करूँ कि फिर मैं रेड खरीदने जा रही थी, मुझे आप बता दो पहले। सुमित जी को बहुत अच्छा लगता है ना एनिवर्सरी मनाना, मेरा बर्थडे मनाना। लगता तो है। मेरा भी बड़ा मन होता है, पता है कि आप अपने इन दिनों के लिए मेरे लिए हमेशा एक्साइटेड होते हो, नहीं तो आजकल के हस्बैंड्स कहाँ होते हैं ऐसे? क्यों होते, क्यों नहीं? नहीं, कितने हस्बैंड्स होते हैं जो वाइफ्स बेचारी सोचती रहती हैं कि कुछ करेंगे ना। क्या करेंगे, कोई उनका कोई कार्यक्रम नहीं होता। औरों से क्या मतलब है? तो आपने तो कुछ सोचा होगा ना। बर्थडे कहाँ करें? बर्थडे कहीं भी कर लो आप, जहाँ चाहो। चलो, बुक तो करवा दिया वैसे मैंने। अच्छा, मुझे एनिवर्सरी का ज्यादा चाव है यार। तो एनिवर्सरी भी बुक करवा दी है। तो क्या करने वाले हो एनिवर्सरी का बता दो मुझे। कैसे बताऊं यार तुम्हें, अभी से बता दूं सरप्राइज ही नहीं होगी तुम। मुझे अच्छा लगता है, पता है आपकी पूरी बात सुनना अच्छा लगता है। आप बता देते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कुछ होने जा रहा है। आप बहुत अच्छा बताते हो। नहीं, इस बार बिल्कुल ही सरप्राइज है, किसी को नहीं पता इस बारे में। आपको भी नहीं पता है क्या? नहीं, मुझे भी नहीं पता। चलो पता तो है, मैं जब मैंने बुक किया तो पता क्यों नहीं है मुझे। अच्छा, तो आप मेरे लिए गाना गाओगे क्या? गा लेंगे, कौन सा गाना गाए? मेरे महबूब मोहब्बत कयामत होगी। कोई रोमांटिक